तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। तो जैसा कि गाइस हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कीर्ति मेहरा ने हेटर को काफी ज्यादा सेवेज तरीके से रिप्लाई करे थे, तो उसको लेकर गाइस यहां पर कीर्ति मेहरा ने एक बार फिर से अपने स्टोरी में रिप्लाई करे हैं। जैसे कि गाइस यहां पर किसी ने कॉमेंट करके लिखे कि आपने उसको तो सेवेज रिप्लाई कर दिए। तो इस पर गाइस यहां पर कीर्ति मेहरा बात करते हुए क्या कहे, उस हेटर के बारे में भी क्या कुछ कहे, आप लोग सबसे पहले इस वीडियो क्लिप में देखिए। रिप्लाई की बात नहीं है, मतलब ये जो हम कर रहे हैं, पहली बात तो इसमें हम खुश हैं और मेरे को कोई वो हेट नहीं है कि जो जॉब कर रहे हैं उनसे कुछ वो है, या जो क्रिएटर हैं या बुक चोरी कर रहे हैं उनसे कुछ वो है। भाई जो जैसे खुश है, अगर आप खुश हो आप बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं अपने उसमें बहुत अच्छी बात है। मैं अपने किसी इंसान को अगर कुछ भी बोलूं उससे आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, इग्नोर करो। पर ऐसे बहुत लोग आपस में एक दूसरे को बोलते हैं, हमें भी बहुत कुछ ऐसे क्रिएटर्स वगैरह को भी बहुत कुछ बोला जाता है। अभी हर चीज को सीरियसली लेके बैठ गए तो फिर चल ली जिंदगी। बाकी इस वक्त चोरी के भी पैसे मिले। तो फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ पर कीर्ति मेहरा को लेकर और भी क्या कुछ कहना चाहोगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और गाइस हम बात करते हैं एलविस यादव के बारे में। तो आप लोग गाइस प्रेरणा मलान को तो जानते होंगे, जो कि गाइस फुकरा इंसान की सिस्टर है। तो वो गाइस गई थी एलविस यादव के, जहाँ पर गाइस एलविस यादव ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए थे, और वहाँ जाकर के गाइस प्रेरणा मलान ने एलविस यादव को लेकर कुछ कहे भी है। तो क्या कहे आप लोग सबसे पहले इस वीडियो क्लिप में देखिए। बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी। हाँ भाई, एलविस की बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे शहर में है, डंका बजा रहा भाई, यही हो रहा था भाई। मुझे स्ट्राइक मत दे देना एलविश भाई।